बोकारो जिले के अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र गोमिया प्रखंड के चत्रोचट्टी थाना क्षेत्र के चुट्टे पंचायत के गधौनिये जंगल के चैताड़ और दंडरा के बीच नक्सलियों और पुलिस सीआरपीएफ और जगुआर के बीच जमकर मुठभेड़ हुई। नक्सलियों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस पूरे इलाके में गहन सर्च अभियान चला रही है। वहीं बोकारो पुलिस कप्तान प्रदर्शी आलोक ने घटना का पुष्टि करते हुए बताया कि ये मुठभेड़ एरिया कमांडर कुंवर मांझी और जोनल कमांडर बिरसेन उर्फ कान उर्फ चंचल दा के दस्ते के साथ हुई थी। इस रास्ते में 12 से 14 हथियारबंद नक्सली शामिल थे। उन्होंने बताया कि जोनल कमांडर बिरसेन के दस्ते के जंगल में होने की सूचना मिली थी। इस सर्च अभियान में सीआरपीएफ जिला पुलिस और झारखंड जगुआर की टीम सर्च अभियान चला रही थी, जिस दौरान आमने सामने हुआ और दोनों के बीच हुई मुठभेड़। देखिए, हम लोग को एक इनपुट था कि जो नक्सल का दस्ता जिसका नेतृत्व जो है चंचल उर्फ बिरसेन उर्फ रघुनाथ हेमरम कर रहे थे और दस्ता में सदस्यों की संख्या तकरीबन 12 से 14 के बीच में थी, तो उसके बेसिस पर हम लोगों ने ऑप्शन प्लान करते हुए अपने अभियान को स्टार्ट कर प्रारंभ किया। और उसके बाद जो है आज सुबह जो है एक्सचेंज ऑफ फायर हमारे कोबरा 203 साथ में झारखंड जगुआर और बोकारो पुलिस की टीम के साथ हुआ उनका, और अब हम लोग का अभियान अभी भी जारी है। कितने समय तक मुठभेड़ चली? ये एग्जैक्ट बता पाना संभव नहीं है, जो कि हम लोग का ऑपरेशन जो है अभी भी जो वो कंटिन्यू है, लेकिन ये अर्ली मॉर्निंग जो है एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है। कितने राउंड की फायरिंग हुई सर? वो जानकारी अभी हम नहीं दे पाएंगे जब तक हम लोग का ऑपरेशन क्लोज नहीं होगा, क्योंकि वो फिगर जो हम लोग के पास अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। और बट से जो अभियान जो है पुलिस का वो भी चल रहा है। कुछ बरामद रिकवरी के बारे में भी जानकारी हम लोग को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन जो है ऑपरेशन से क्लोज होने के बाद ही हम स्पष्ट इसमें बता पाएंगे कि कितना फायरिंग हुआ, कितना देर तक फायरिंग हुआ और क्या इसमें रिकवरी हुआ। देखिए, अगर पिछले 2-5 साल का अगर आप स्थिति का आकलन करेंगे बोकारो डिस्ट्रिक्ट में, जो पहले जो स्थितियाँ थी अब वो बिल्कुल ही जो है वो बदल गया है। तो नक्सल जो है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वो संघर्ष कर रहा है, और ये सारा चीज़ जो है एक्चुअली जो घटना अभी एक महीना पहले एक नक्सल सपोर्टर की जो हत्या की गई थी डंडरा गाँव में, जो कि गोमिया विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, तो उसके पीछे भी यही था कि जो है उनको अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, अपने प्रेजेंस को फील कराने के लिए उनके द्वारा ऐसी घटना को कारित किया।